तो दोस्तों फिर से बात करते हैं रतन पावर, रतन इंडिया पावर शेयर के बारे में। बेसिकली तो याद होना चाहिए आपको कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको बनाया होगा इसमें। जब यहाँ ट्रेड कर रहा था एग्जिट करने के लिए बोला था, जब यहाँ ट्रेड कर रहा था बाय करने के लिए बोला था, और दोबारा जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तो क्या बोला था, ₹3 तक आएगा आप सबको बाय कर सकते हो। और आज वही हो रहा है, एक अच्छा तीन सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया, लगातार दे रहा है भाई, उस बात के लिए लाइक ठोको। ठीक है, इससे अच्छी एनालिसिस अगर आपको लगता है कोई कर सकता है तो उसको भी आप अप्रिशिएट करो, साथ में आप हमें भी अप्रिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए लगातार स्टॉक ये रेंज बना रहा है, राइट? आप खुद देखिए ये लगातार रेंज बना के ऊपर जा रहा है। तो अगला जो स्टॉक का मूव होना चाहिए, देखो जब तक ये भी इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, अभी छोटा सा बॉक्स बन चुका है, पहले ये बॉक्स था बड़ा, अभी इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, तो ये रेंज बन चुकी है अब स्टॉक की। तो जब तक ये इस बॉक्स के बाहर नहीं निकलता है तो बड़े गोल के लिए, मतलब बड़े टारगेट के लिए हम उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसके बाहर निकल जाता है इमिजिएटली स्टॉक आपको यहाँ तक के रेजिस्टेंस मतलब टारगेट दिखाएगा, जो मोटा मोटी है 4, ये है कहने का लो 670, 670। ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न कमा के दे चुका है, बहुत लंबे समय तक स्टॉक यहाँ पर इनवैलिड हो सकता है, मतलब यहाँ पर घूम सकता है। तो घूमने जितना घूमेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। बाकी अगर फाइनेंशियल की मैं बात करता हूँ, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी का शेयर पैटर्न है, आप खुद देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ बीच में इंक्रीज हुई थी, और एक स्टेबल मोड में अभी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रोक रखी है। हो सकता है फ्यूचर में ये होल्डिंग आपको बढ़ते हुए दिखे, 44 से 60 हो सकती है, 70 भी हो सकती है, क्या पता 65 हो जाए, लेकिन होगी पक्का, क्योंकि जिस रेशियो में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई आप खुद देख सकते हो 34, 39, ठीक है 44, तो 3 बार इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में ये शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो हो सकता है एक बार ये बड़ा आप बोल सकते हो शेयर्स सीधा पब्लिक से बाय कर ले। और वो कब होगा, वो अब होने वाला है, समझ लो कि ये जो रेंज बना रहा है स्टॉक, इसी रेंज में ये माल अब यहाँ से शिफ्ट होगा प्रमोटर्स की तरफ। ये आपको न्यूज बहुत जल्द दिख जाएगी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, जो इसका प्राइस बना रहा है और जो इसके प्रॉफिट नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं बातें कह रहा हूँ। ठीक है, तो यही मैं बोलूंगा, नजरों में रखिए, राइट? ये स्टॉक बहुत जल्द आपको अच्छे रिटर्न देके जा सकता है, पहले भी देखे गया था, राइट? फ्यूचर में भी उम्मीद है कि पावर शेयर है तो जा दे सकता है, लेकिन आपको फिर भी दिमाग में क्या रखनी है, स्टॉप लॉस की बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपने स्टॉक को देखो यहाँ बाय किया था तो यहाँ आपने डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, आपने 100% का कैपिटल गेन कर लिया होगा। अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना कि 3 के आसपास अगर मिलता है तो सबसे सेफ प्राइस 3 का रहेगा, और आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस ₹2.40। अब आता क्वेश्चन कि वहाँ आएगा, अब टाइम वो बताएगा, लेकिन मैं आपको तब भी दो यहाँ पर एडवाइस देने वाला हूँ। अगर 3 में बाय करोगे तो लॉन्ग टर्म में करना, इस कहने का लो स्टॉप लॉस लगाना, सिंपल। और अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो, कहाँ पर, इस रेंज में बाय कर रहे हो, तो आप बाय करो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेन का होगा, आपको 3 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब आप खुद देख लो आपको क्या करना है, अगर यहाँ बाय करो शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो टारगेट है 670 वो रहेगा, अगर नीचे बाय करोगे 3 में बाय करना और ₹2 या ₹2.50 का स्टॉप लॉस लगाना। अब आप देखो कि आप किस यू नो सूज में आते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अगर दोनों में आते हो तो आप दोनों के हिसाब से अपनी क्वांटिटी डिफाइन करके काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका अगर आपको मूविंग एवरेज चाहिए, जैसे आपको पता है कि फंडा था जो मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ मूविंग एवरेज, मैंने आपको हर एक साल के लिए मूविंग एवरेज दिया था, बहुत अच्छे तरीके से काम किया इस स्टॉक में। ठीक है, और अगर फ्यूचर में आपको मूविंग एवरेज चाहिए उसकी मदद से भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, घूम सकते हो, राइट? अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे बना के आपके लेके आ जाऊंगा कि भैया स्टॉक का मूविंग एवरेज ये निकलता है, तो आप उसको अप्लाई करके बहुत अच्छे रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो सिंपल उस मूविंग एवरेज से। एक दो बार स्टॉप लॉस होंगे, आप खुशी खुशी स्टॉप लॉस ले लेना, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड में रहती है तो अच्छा खासा टारगेट देती है, जब ट्रेंड में नहीं रहती तो आपको स्टॉप लॉस कराती है, तो स्टॉप लॉस भी एक पार्ट ऑफ गेम है, लो आराम से। ठीक है, आराम से लेना सीखो उसको कि हाँ चलो ठीक है स्टॉप लॉस को दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे स्टॉक से निकाल लूंगा या इसी स्टॉक से मैं उस स्टॉप लॉस को कवर कर लूंगा, राइट? बाकी वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, स्टॉक में वॉल्यूम कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप खुद देख सकते हो, मैं आपको दिखाया था एनएससी में वॉल्यूम जो है स्टॉक में। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम आप खुद देख सकते हो, एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, 1 करोड़ शेयर्स लोगों लेके गए, 45% डेली सपोर्ट आई गई है। तो यही मेरा वीडियो है, मैं समाप्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन है तो जाओ नीचे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, या फिर आप हमारी हेल्प कर सकते हो हमारी टीम की एज अ कमेंट करके, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके कि स्टॉक में क्या चल रहा है, अगर आप इस कंपनी में काम करते हो, राइट? मिलते हैं अगली क्लास।